और भाई सुमित, क्या हाल है, क्या चल रहा है? और भाई बढ़िया। आज तू बता, ये मार्केट का क्या हाल चल रहा है? अरे यार, मार्केट का हाल तो मत ही पूछ, पूरी मार्केट नीचे ही जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है। मैंने भी कुछ दिन पहले एक पेनी स्टॉक में पैसे लगाए थे, तो अभी वो भी लगातार नीचे ही जा रहा है, एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द डेड कैट टू बाउंस। और बता यार, डेड कैट बाउंस, ये डेड कैट बाउंस मतलब ये मरी हुई बिल्ली उछलती है क्या? अरे नहीं यार, मरी हुई बिल्ली उछलती नहीं है, ये एक फ्रेज है, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना कि दिया बुझने से पहले भभकता है, तो वैसे ही शेयर मार्केट में इस फ्रेज को यूज किया जाता है। जैसे कोई शेयर है वो लगातार नीचे ही जा रहा है, नीचे ही जा रहा है, तो वो थोड़ा सा बाउंस बैक करता है, थोड़ा सा ऊपर आता है, उसके बाद फिर लगातार नीचे ही जाने लगता है, तो वो जो बाउंस बैक करता है उसी को बोलते हैं डेड कैट टू बाउंस। तो क्या यार, इसमें मतलब पैसा लगाना ये फायदा का सौदा होगा या नुकसान होगा? यार ये बहुत रिस्की सौदा होगा, ये तो मुझे पता है। फायदा नुकसान यार, अगर आप एक्सपर्ट हो, क्योंकि इसको मार्केट को जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग मूव भी कराते हैं समटाइम्स, तो अगर आप एक्सपर्ट ट्रेडर हो तो ही इसमें पैसे लगाने चाहिए, कि आप हल्का सा बाउंस बैक किया और आप उसमें प्रॉफिट बुक करके निकल गए। लेकिन जो कॉमन इन्वेस्टर है मेरे तुम्हारे जैसे, उनको ऐसे मार्केट में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि हम मतलब पहले से पता लगा ले कि यार ये डेड कैट बाउंस होने वाला है ये स्टॉक? यार ये पूरी तरह ना मार्केट के सेंटीमेंट्स पे डिपेंड करता है, अब तुम हमेशा ये गेस तो नहीं कर सकते, इसके लिए प्रॉपर रिसर्च चाहिए, प्रॉपर स्टडी चाहिए, ठीक है, तो तभी तुम इसका अनुमान लगा सकते हो कि ये बाउंस बैक करेगा या नहीं करेगा। जैसे अभी कुछ दिनों पहले बहुत सारे शेयर्स के साथ ऐसा हुआ था, अडानी का शेयर लगातार नीचे कर रहा था और वो बाउंस बैक किया और फिर अभी नीचे ही जा रहा है, तो बहुत ही अनसर्टेन होती हैं चीज़ें इसमें। तो ये कुछ आइडिया बताओ यार, हम भी मार्केट में इन्वेस्ट करें यार? दोस्त, मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो रिसर्च करनी पड़ेगी, और रिसर्च के लिए बेस्ट प्लेस क्या है? जागरण बिजनेस।